एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजन जोशी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग है, जिसे आपने तो सुना होगा, एक मूवी है तारे जमी पर। तो उसी प्रकार आज मैं आपको दिखाऊंगा बादल जमी पर। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही ये जो हमारे यहाँ बादल हैं वो थोड़े नीचे आए हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए गाइस कितना अच्छा सुहावना मौसम हुआ है और ये बादल सारे ये पूरा सब नीचे आए। ये आज का मौसम और बादल बहुत नीचे तक आए हैं, पूरे नीचे नीचे तक आए हैं। मैं आपको बैक कैमरा के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे है जो हमारे यहाँ पे है नंदा देवी पहाड़, नंदा देवी पर्वत है यहाँ पे। आज तो बादल होने की वजह से यहाँ पे कुछ साफ दिख नहीं रहा, खाली जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं है। और इसी के थोड़ा जस्ट बगल में यहाँ पे है पंचाचूली पर्वत। जिस दिन मतलब मौसम साफ होगा, क्लियर होगा, आसमान साफ होगा, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा ये नंदा देवी पहाड़ और पंचाचूली पहाड़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोहरा काफ़ी तेज़ी से बह जा रहा है, मतलब आगे आगे को जा रहा है बादल। और यहाँ पे हमारी यहाँ की हरियाली देखिए, मौसम देखिए कितना अच्छा सुहावना हुआ है और हल्की हल्की हवाएँ भी चल रही है। कोहरा काफ़ी आगे तक आता है और इससे मतलब जैसे यहीं पे हमारा जैसे ये आगे पे हमारे ककड़ी का छाल है यानी बेल है, यहीं पे कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से इतना ही दूर तक हमें ये नहीं दिखता। बिना बोले हुए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, मतलब नेचुरल सीनरी धीरे धीरे। देखिए मेरे साथ और इन्जॉय करिए आप ये मौसम। यहाँ से जो फॉरनर लोग होते हैं वो परसों ही आए थे और यहाँ के काफ़ी सारे पिक्चर्स उन्होंने कलेक्ट किए। बहुत दूर दूर देशों से, विदेशों से हमारे यहाँ लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड में चकोड़ी में। और हमारे यहाँ की ये जो खूबसूरती है हमारे यहाँ उत्तराखंड देवभूमि की, उसका मज़ा लेते हैं, इन्जॉय करते हैं उसे। तो आप भी मेरे साथ इन्जॉय करें, अगर आपको कभी मौका मिले तो हमारे उत्तराखंड पिथौरागढ़ के अंदर चकोड़ी है, वहाँ आने का प्लीज़ आएँ आप और यहाँ देखें कितना अच्छा मौसम होता है। और जैसे अगर जैसे कोई वेस्ट बंगालीज होता है तो वो जो ये हमारे यहाँ के पहाड़ पर्वत दिखते हैं उन्हें, मतलब अगर वो मानते हैं कि भगवान सुबह और शाम दिखते हैं, तो अगर उन्हें सुबह या शाम के टाइम पे जो पहाड़ दिखे तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, और दिन में जिसको दिखे वो तो मतलब क्या कहूँ मैं, धन्य हो जाता है, वैसा उसका सिस्टम रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा अच्छी तरह से सुनसानी तरीके से, मतलब जिसमें मैं बोलूँगा नहीं, ऐसे बढ़िया से धीरे धीरे करके आपको पिक्चर दिखाऊँगा यहाँ की वीडियो के साथ। तो रोज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ, कभी किसी दिन मतलब धूप भी रह रही है वैसा नहीं, और मौसम काफ़ी सुहावना होता है। उसके बाद किसी किसी दिन रेनबो यानी इंद्रधनुष में मिलता है हमारे यहाँ देखने को। आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ के
जो ककड़ी हो गया, गीठे होता है, और जमीर, केले, जो जो हमारे वहाँ लगा है वो आपको सभी चीज़ दिखाता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ छत से नीचे, सीन काफ़ी अच्छा आया था इसलिए मैं लेने आया था वीडियो ऊपर छत से। हमारे ककड़ी का झाल, और इसमें देख सकते हैं आप फूल काफ़ी लगे हैं और ऐसे छोटे छोटे करके ककड़ियाँ लगते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए इतना छोटा छोटा ये लगा है। और आपको अब मैं बड़ी ककड़ी दिखाता हूँ। एक बड़ी ककड़ी लगी है यहाँ पे ऊपर पे, देखिए ये। और उसके बाद नीचे आए तो यहाँ कहीं अंदर लगी हुई देखी थी मैंने, ये देखिए गाइस यहाँ लगी है एक ककड़ी। और उसी के साथ यहाँ पे हमारे उसी के जस्ट नीचे पे हमारे रात रानी का पेड़ है। ये है जमीर, खट्टा होता है काफ़ी ये, और इसका चूक बनता है। ये देखिए ये पूरा उसका पेड़ ही है जमीर का। और एक उसी के सामने है, उसमें भी काफ़ी जमीर लगे हैं। और यहाँ के अब फूल दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पे अभी ये वाले फूल गेंदे के लगे हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छे अच्छे फूल लगते हैं हमारे यहाँ। और ये भी है एक फूल का पेड़, इसमें आजकल नहीं लगते हैं, मतलब इससे एक दो महीने पहले लगे थे इसमें, अब नहीं लगेंगे इसमें, इसमें अब अगले साल ही लगेंगे। ये है तरुड़, तरुड़ का पेड़ है, इसके जड़ में लगेंगे तरुड़। तो हमारे यहाँ लगे हैं थोड़े से केले लगे हैं, क्योंकि ये देखिए गाइस यहाँ पे। और एक और आ रहा है यहाँ पे, ये इसमें अलग लगेंगे। ये जो पत्ते हैं ये हैं गीठी के, और इसी के बगल में गीठी लगी है, ये इतनी दूर है। हमारी गाय ऊपर पे बांधी है देखिए मम्मी ने, अभी थोड़ी देर तक ये चर रही थी, इसने अपना पेट पूरा भर लिया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मिर्च, मेरे साथ देखिए, ये रहे हमारे मिर्च, ये पूरे खेत में लगे हैं मिर्च के पेड़। अब मिलते हैं हमारी गाय से थोड़ा, आजकल एक ही गाय है हमारे पास। काम धेनु माता है हमारी, ला हाथी खा लेती है ये हमारी गाय, और इसका नाम है लाली, और ये ब्याने वाली है। ये इसका पेट चर के फुल भर रखा है इसने अपना पेड़ आज। मौसम कितना अच्छा है, कल बारिश आई थी, लॉट बारिश आती है। आज कितना अच्छा हुआ है मौसम, आज कितना अच्छा हुआ है मौसम, हर जगह कोहरा ही कोहरा लगा है। अच्छा, हर जगह कोहरा ही कोहरा लगा है। मुझे तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो मौसम तो अच्छा लग रहा है। यहाँ तो कुछ है जगह में तो नहीं है भाई साहब, ये मंगू आ गया। और वहाँ मत बोल, यहाँ देख, यहाँ देख के। और ये मंगू को तो एक सब्सक्राइब भी नहीं करना, इसको दादा को दो सब्सक्राइब करना, दीदी को सब्सक्राइब करना, दादा को भी सारे सब्सक्राइब करना, मेरे को भी सारे सब्सक्राइब करना। अच्छा बाय बाय, कल भी स्लो के मैं, बाय 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 कहते हैं, बाय बाय, मिलेंगे कल, मिलेंगे कल, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग के साथ। यही था बस आज के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कल आएगा एक और ब्लॉग जो होगा खतड़वे पर, खतड़वा का त्यौहार यानी विश्वकर्मा पूजा दिवस पर आएगा एक और ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।